हेलो दोस्तों, एवी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु, यूजीसी नेट के अंतर्गत यूजीसी नेट में पेपर वन में हम लोग रिसर्च मेथोलॉजी के अंतर्गत हाइपोथेसिस को कर रहे हैं। अब सबसे पहले हाइपोथेसिस को समझने के लिए हमें बच्चे फीचर ऑफ द हाइपोथेसिस समझना पड़ेगा। जो हाइपोथेसिस होता है वो रिसर्च प्रॉब्लम का एक टेंटेटिव प्रोपोजिशंस होता है, जिसकी अभी वैलिडिटीज़ को हमें क्या करना होता है, चेक करना होता है, जिसकी वैलिडिटीज़ भी क्या होती है, एक तरह से अननोन होती है। जो हाइपोथेसिस होता है बच्चे, वो दो टर्म से मिलकर बना होता है, हाइपो और प्लस थीसिस। थीसिस का मतलब ये होता है कि शोध, और हाइपो का मतलब होता है कम, यानी जो रिसर्च नहीं है, जिसको हम लोग रिसर्च नहीं बोलते हैं, वही क्या होती है, हाइपोथेसिस होती है। और जनरली हम लोग हाइपोथेसिस के थ्रू, जो हाइपोथेसिस को जब हम फॉर्मुलेट करते हैं बच्चे, तो उस हाइपोथेसिस को जब फॉर्मुलेट किया जाता है, तो उसमें जो अवेलेबल वेरिएबल्स होते हैं उनके रिलेशनशिप्स के अंतर्गत, जो उनका रिलेशनशिप्स होता है, उसमें एक लॉजिकल कंसेप्ट खोजने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बच्चे। जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है, हाइपोथेसिस उसका जनरलाइजेबल होता है। जो हाइपोथेसिस होती है वो सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए, जिससे कि स्टडी करने से, हाइपोथेसिस को रीड करने से ये समझ में आना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च डिफिनीशंस क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जर्नलिस्ट हमें ये समझना होता है कि मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हाइपोथेसिस का जो मेन फंक्शन होता है बच्चे, दे ब्रिंग फोकस क्लियरिटी स्पेसिफाइड इन द रिसर्च स्टडीज। जो तुम्हारी पूरी रिसर्च स्टडीज होती है ना, उसको ये फोकस कर देता है, उसमें एक क्लियरिटी लाने की कोशिश करता है। जो हाइपोथेसिस होती है, मेकिंग अ सैंपल डिजाइन, सैंपल डिजाइन करने में जो हाइपोथेसिस होती है वहाँ पे फंक्शन करता है। हाइपोथेसिस जो होती है वो रिसर्च प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव को क्रिएट करने में एक तरह से मदद करती है। और जो हाइपोथेसिस होती है बच्चे, फॉर्मुलेटिंग द थ्योरीज, थ्योरीज को फॉर्मुलेट करने में भी हाइपोथेसिस एक तरह से क्या करती है, मदद करती है। तो ये मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस होता है। साइंटिफिक तरीके से अगर सोशल रिसर्च किए जा रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से अगर आप सोशल रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन करना जो होता है बच्चे, वो कंपल्सरी होता है। हाइपोथेसिस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। आप हाइपोथेसिस को कई टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे, जैसे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। जो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस है उसके पढ़ने से, इट इज अ फॉर्मुलेट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स। जहाँ पे मतलब हाइपोथेसिस के अंदर, जहाँ पे मैं किसी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम के कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ, तो उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस बोलते हैं। जैसे द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज अ 10%। तो मैंने क्या बता दिया, पूरे अर्बन एरियाज में मैंने स्टडी का एक ऑब्जर्वेशन मुझे करना था। स्टडी के ऑब्जर्वेशंस के बाद मैंने बताया कि अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियोज है वो कितना परसेंट है इंडिया में, 10% है। तो एक स्टडी के थ्रू आपने, एक कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू आप किसी प्रॉब्लम के आंसर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जो रिलेशनल हाइपोथेसिस होता है बच्चे, ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप्स को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच के एक्सप्लेनेशंस को, उनके बीच का जो रिलेशनशिप्स होता है, उसे अगर मुझे फाइंड करना हो तो वो रिलेशनल हाइपोथेसिस के थ्रू होती है। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, प्रेजेंट द रिसाइडिंग इन द अर्बन एरियाज स्पेंड मोर मनी ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। आपको पता है कि जो अर्बन एरियाज में लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मनी एक्सपेंस करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में इनकम ज़्यादा है, इस वजह से उनका एक्सपेंस जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा। लेकिन रूरल एरियाज में जाते हैं तो इनकम आप सोर्स ही उनके पास बहुत कम होता है, इसके वजह से जो स्टडी पे उनका एक्सपेंस होता है वो विलो होता है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो ये एक रिलेशंस हमें देखना पड़ेगा। यानी रिलेशनल हाइपोथिसिस का मतलब ये होता है बच्चे कि कुछ कंडीशनें भी किसी प्रॉब्लम्स को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन भी सोशल प्रॉब्लम्स को क्या कर सकती हैं, इंक्रीज कर सकती हैं। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट वहाँ पे हम लोग देखते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस के अंदर। एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस, द गाइडेड अबाउट द कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। यहाँ पे जर्नली एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में आप क्या चेक करते हैं, कॉजेज को एंड उसके इफेक्ट को।
उस जहाँ पे कॉजेज और इफेक्ट को चेक किया जा रहा है, जहाँ कॉजेज और इफेक्ट की इंक्वायरीज की जा रही है, उसको हम लोग एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस बोलते हैं बच्चे। जैसे एग्जाम्पल्स, वेन सैलरी इंक्रीज द स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम आइटम ऑल्सो इंक्रीज, यानी सैलरी जैसे ही इंक्रीज होती है वैसे ही फूड पे, आप फूड आइटम पे ऑलरेडी सैलरी का कुछ पार्ट जो होता है वो एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाता है। आगे जो एक टाइप होता है बच्चे, वो होता है नल हाइपोथेसिस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। आपसे जर्नलिस्ट नल हाइपोथेसिस के बारे में ही पूछा जाता है। विल स्टेट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जिसके ब्रैकेट में मैंने रूरल अर्बन सेमी अर्बन, डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द ड्रॉप आउट रेशियोज, यानी बच्चों के ड्रॉप आउट रेशियोज पे किसी भी प्रकार के रेजिडेंस का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये जर्नलिज्म, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है या सेमी अर्बन एरियाज है, ये इन्वायरमेंट ड्रॉप आउट रेशियोज के ऊपर किसी भी प्रकार के इम्पैक्ट नहीं करते हैं। तो जहाँ पे, यानी जो अर्बन एरियाज, जो रूरल एरियाज, जो सेमी अर्बन एरियाज है, ये आपका एक वेरिएबल है बच्चे, और ड्रॉप आउट जो है वो दूसरा वेरिएबल है। आप बोल रहे हो कि अर्बन और रूरल एरियाज में ड्रॉप आउट रेशियो जो होता है, ठीक है, रूरल अर्बन एरियाज के वजह से ड्रॉप आउट रेशियो पे किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो जहां पे आप बता रहे हो कि दो, मतलब इसे हमें रीड करने से ये अंडरस्टैंड हो रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स तो हैं, लेकिन उन दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं है। इसे ही बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जिसको एच नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल स्टेट दैट ड्रॉप आउट रेट इज अ हायर अमंग स्टूडेंट फॉर फ्रॉम अ रूरल एरियाज। तो जर्नली हम लोग देखते हैं कि जो रूरल एरियाज है वहां पे ड्रॉप आउट रेशियोज जो है वो हायर है कंपेयर टू अर्बन एरियाज। नल हाइपोथेसिस में बोला जा रहा है कि ड्रॉप आउट रेशियोज का रूरल अर्बन से किसी भी प्रकार का इंपैक्ट नहीं। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है बच्चे, वो सीधा आपको दिख रही है कि नल हाइपोथेसिस के एकदम क्या है, अपोजिट है। एंड नेक्स्ट में जब थर्ड पैराग्राफ में आओगे बच्चे, इफ नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड बेस ऑन द डेटा एनालिसिस, आपने डेटा उठाया, डाटा के बेसिस पर एनालाइज किया कि नहीं यार, और रूरल अर्बन और सेमी जो अर्बन एरियाज हैं इसका एक्चुअली इम्पैक्ट पड़ता है ड्रॉप आउट रेशियोज पे, आपने डेटाज के बेसिस पर क्या कर दिया, नल हाइपोथेसिस को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाती है बच्चे, वहां पे जनरेट हो जाती है डेटाज के बेसिस पर। अब जर्नलिस्ट हम समझते हैं कि हाइपोथेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे गए थे एग्जाम के अंदर, यूजीसी नेट में, तो मैंने एक दो क्वेश्चंस रखा था। जैसे यहाँ पे हाइपोथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है और वहां पे आपको हाइपोथेसिस को क्या करना है, टेस्ट करना है। तो हाइपोथेसिस को जो टेस्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट दे रहा है, इट इज ओनली द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दैट कैन बी टेस्टेड, बोल रहा है कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट करूंगा। सेकेंड में बोल रहा है कि इट इज ओनली द नल हाइपोथेसिस टेस्ट कैन बी टेस्टेड। बी में बोल रहा है कि नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा। सी में बोल रहा है कि दोनों को किया जाएगा। और डी में बोल रहा है कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस कैन नॉट बी टेस्टेड, दोनों में से कोई टेस्ट नहीं किया जाता है। बच्चे इसका आंसर होता है कि सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को अगर मुझे टेस्ट करना है कि वो स्टेटमेंट एज अ हाइपोथेटिकली सही है यानी राइट है या रॉन्ग है, तो राइट है या रॉन्ग है इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मैं कौन सा हाइपोथेसिस यूज करूंगा बच्चे, नल हाइपोथेसिस। यानी जो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनके बीच का मैं क्या करूंगा, डिफरेंसेस देखूंगा। अगर डिफरेंसेस जीरो आ रहा है तो वो नल हाइपोथेसिस हुआ, अगर डिफरेंसेस जीरो से एबव आ रहा है यानी एक कोई स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, उस स्टैंडर्ड से अगर ऊपर आ रहा है तो फिर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। तो सबसे पहले बच्चे नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, देन उसके बाद से जैसे ही नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी वैसे ही ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डेवलप्ड होती है। तो कभी भी किसी भी हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट के अंदर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट करते ही नहीं है, सबसे पहले जो टेस्ट हम करते हैं वो कौन सा टेस्ट करते हैं, नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं।
ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन से बच्चे, मेल एंड फीमेल स्टूडेंट परफॉर्म इक्वली वेल इन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस स्टेटमेंट इज इंडिक्टेड एज अ। तो यहां पे बोल रहा है कि मेल और फीमेल जो है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या कर रहे हैं, इक्वल परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कुछ लोग मानेंगे कि नहीं, मेल और फीमेल जो है वो इक्वल न्यूमेरिकल टेस्ट में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। कुछ मानेंगे कि कर सकते हैं। तो जो मानते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो नहीं तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, नल हाइपोथेसिस करने, क्योंकि ऑप्शन में रिसर्च हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसको हम लोग वर्किंग हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोला जाता है। तो वो जर्नलिस्ट मैंने पहले ही बताया था कि रिसर्च हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस टेस्ट होती ही नहीं है, क्योंकि नल हाइपोथेसिस सबसे पहले टेस्ट किया जाता है, वो रिजेक्ट होने के बाद वही वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, वो हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस में बन जाती है। जो स्टैटिकल हाइपोथेसिस होती है, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल डेटास पे किसी हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, स्टैटिकली मेजर करते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कोई होती नहीं है कि आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे आंसर में बच्चे जनरली जो होगा वो क्या हो सकता है, नल हाइपोथेसिस ही होगा। तो ये चीजें जनरली हमें ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, अ प्रपोजल दैट मे प्रोविजनली सर्व एज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्दर रिसर्च इज नोन एज अ। तो जनरली हमें एक रिसर्च की शुरुआत करनी है, तो उससे पहले आप क्या करेंगे, हाइपोथिसिस बनाएंगे, थ्योरी डेवलप्ड करेंगे, मॉडल बनाएंगे, प्रिंसिपल बनाएंगे। तो जैसे ही मैं फाइंड करता हूँ रिसर्च प्रॉब्लम बच्चे, वैसे ही मुझे उसकी डिफिनीशंस बनानी पड़ती है, उसका ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, और देन ऑब्जेक्टिव और डिफिनीशन के बाद से मुझे क्या सेट करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। तो कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसका आपको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद ही आप कोई भी वर्क आगे क्या करेंगे, स्टैंड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जर्नलिज हमें हाइपोथेसिस में मैंने बता भी दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में आते हैं, और कुछ और भी क्वेश्चनों पे हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस के कुछ और क्वेश्चनों पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस पे और भी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, थैंक यू।